आओ ऐसे राखी का पर्व मनाएं, देह भान को भुलाकर आत्मस्मृति का तिलक लगाएं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा से पवित्रता का रक्षा सूत्र बंधाएं, शुभ संकल्पों के फूल खिलाकर मन मंदिर को महकाएं, मधुर मीठे बोलों से रिश्तों को अटूट बनाएं, दिल में भाई भाई का भाव जगाकर दुनिया को चमन बनाएं। आओ ऐसे राखी का पर्व मनाएं, आओ ऐसे राखी का पर्व मनाएं। भाई बहन के अटूट और पवित्र बंधन की मिसाल है रक्षाबंधन। इसी पर्व को रूहानी अंदाज में सेलिब्रेट करने के लिए मुख्यालय शांतिवन में राज ऋषियों की सभा लगी। हजारों भाई बहनों से भरे डायमंड हॉल की स्टेज पर संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्यों को सुरों के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो ने एक सॉन्ग तैयार किया है। चलिए पहले गीत की कुछ पंक्तियां सुनते हैं। आई आई है प्रेम बहार, छाए खुशियों की सावन फुहार, आई आई है प्रेम बहार, छाए खुशियों की सावन फुहार, हर शय ने किया पावन सिंगार, पावन पावन है हर घर द्वार, मनाए प्यारा राखी का त्योहार, मनाए प्यारा राखी का त्योहार। भाई बहन का रिश्ता है अनुपम, रेशम से सजता सारा जीवन, भाई बहन का रिश्ता है अनुपम, रेशम से सजता सारा जीवन, एक बगिया से एक डाली से जोड़े रखता दिल का मधुबन, एक बगिया से एक डाली से जोड़े रखता दिल का मधुबन, बाजे मन की वीणा के तार, बहना ने दिया भैया को दुलार, मनाए प्यारा राखी का, अब आपको दिखाते हैं देश भर के सेवा केंद्रों पर मनाई गई राखी पर्व की कुछ झलकियां। शुरुआत दिल्ली और मुंबई की तस्वीरों से। महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी को डोंबिवली सेवा केंद्र के प्रभारी बीके शक्कू, नेपियनशी रोड सेवा केंद्र की बीके रुक्मणी, सायन सेवा केंद्र की बीके वंदना समेत कई वरिष्ठ बीके बहने राखी बांधने राजभवन पहुंची। सबसे पहले बीके बहनों ने राज्यपाल जी को रक्षाबंधन की बधाइयां दी, फिर उसके बाद उन्होंने सुरक्षा और पवित्रता के प्रतीक राखी बांधी। इसके अलावा बीके बहनों ने भगत सिंह कोश्यारी जी को संस्था के मुख्यालय में होने वाले ग्लोबल समिट के लिए आमंत्रित किया। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के राज्यपाल माननीय विश्वभूषण हरिचंदन जी को विजयवाड़ा की बीके शांता दीदी और बीके पद्माजी दीदी ने राजभवन में राखी बांधी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बीके शकुंतला और बीके प्रकाश ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से मुलाकात की और तिलक लगाकर राखी बांधी।
ऐसे ही संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, बीके प्रकाश, दिल्ली से वरिष्ठ राज्यिक शिक्षिका बीके विजय, बीके शिविका और बीके महेश ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, कृष्णा रेड्डी, अर्जुन मेघवाल से मुलाकात करते हुए राखी बांधी और ग्लोबल समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। ऐसे ही मुंबई नगरपालिका मुख्यालय बेलापुर कार्यालय में रक्षाबंधन का अलौकिक कार्यक्रम बड़े ही शांतिपूर्ण एवं उमंग उत्साह के वातावरण में संपन्न किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त श्रीराम पवार, उपायुक्त प्रशासक जयदीप पवार, अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले, नगर सचिव चित्रा बाविस्कर समेत 200 अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्हें वाशी सेवा केंद्र के प्रभारी बी के शीला दीदी जी ने पहले दो रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए राज्यक मेडिटेशन का अभ्यास कराया। उसके बाद सभी को आत्मस्मृति का तिलक लगाकर राखी बांधी। अब आपको दिखाते हैं जयपुर की कुछ तस्वीरें, जहां सोडला सेवा केंद्र द्वारा होटल ग्रैंड सफारी में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कालीचरण सराफ, प्रवीण लता संस्थान के चेयरपर्सन भारती सिंह चौहान, राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट राजीव खन्ना, सफारी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयल, जयपुर सब जोन प्रभारी बी के पूनम, सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी बी के स्नेह मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्हें बी के पूनम ने राखी त्योहार से जुड़ी कई रोचक बातें बताई। ये राखी पर्व रक्षा सूत्र, ये पवित्रता का बंधन है। कार्यक्रम में मौजूद 300 से भी अधिक लोगों को बीके बहनों ने नैतिक मूल्यों की रक्षा की शपथ दिलाते हुए राखी बांधी और अपनी एक बुराई या कमजोरी देने के लिए कहा। अब देखिए तस्वीरें यूपी के हरदोई की, जहां बीके बहनों ने 1600 कैदियों समेत जेल अधीक्षक और जेलर को राखी बांधी। हरदोई सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोशनी के मार्गदर्शन में आयोजित यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। ऐसे ही बिहार के सासाराम में भी मंडल कारागृह में बीके बबीता की उपस्थिति में बीके बहनों ने कैदियों और जेल अधीक्षक राकेश कुमार को रक्षा सूत्र बांधते हुए बुराइयों को त्यागने का संकल्प कराया। अब देखिए रांची के बार एसोसिएशन की तस्वीरें, जहां आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ हरमो रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल ने दीप जलाकर किया। इसके बाद बीके निर्मला ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राखी भगवान द्वारा मनुष्य को मायावी बंधनों से छुड़ाने की एक परंपरा है, जो वर्तमान समय भगवान स्वयं निभा रहे हैं। इसी क्रम में देखिए खबर मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र की, जहां पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित विशेष राखी कार्यक्रम में 50 पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता दीदी ने सभी पुलिसकर्मियों को रक्षाबंधन की बधाइयां देते हुए तनाव मुक्त रहने के लिए राज्यक मेडिटेशन का प्रशिक्षण का सुझाव दिया।
की राखी जोड़े सब सम साची आज के बुलेटिन में बस इतना ही और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।